जिस तरीके से हम लोग को पहुँचे ने बचाया है, तुरंत बोले पहाड़ की तरफ चिपको चिपको, एक एक लोगों को हम लोग को बचाया, पहाड़ पे समेट करके बचाया। पाटन पट्टी की जब खबर आई और निजी और आर्मी वालों ने वहाँ पर काफी सहायता की, वहाँ पर काफी लोगों के अभी गुमशुदा होने की खबर भी सामने आ रही है। अमरनाथ की गुफा के पास बादल फटने से काफी लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। इसमें पीलीभीत से गए जत्थों के 100 से अधिक श्रद्धालु भी शामिल हैं, जो अलग अलग कैंपों में शरण लिए हुए हैं। यात्रियों को रेस्क्यू करने में लगी टीम में पीलीभीत के रहने वाले एक जवान को भी उनको सुरक्षित निकालने में शामिल किया गया है। बेटे को इस विपदा में काम करते देखकर जिले के लोग काफी उत्साहित हैं, तो परिवार के लोग भी गौरवान्वित हो रहे हैं। दरअसल अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे देश से यात्री रवाना होते हैं। इस बार पीलीभीत में भी काफी संख्या में यात्री रवाना हुए हैं, जो शहर के अलावा बिसलपुर, पूरनपुर, माधो तांडा और अन्य स्थानों से गए थे। बाबा के दर्शन करने से पहले ही गुफा के पास बादल फटने की घटना हो गई। इसमें काफी लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। यात्रियों को खोजने और उन्हें सकुशल निकालने के लिए रेस्क्यू के लिए सेना के साथ ही अन्य लोगों को लगाया गया है। सेना के जवान लगातार लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। सेना की रेस्क्यू टीम पीलीभीत शहर से सटे गांव चंदोई के मोहम्मद खालिद को भी मौका मिला है। वह घटना के बाद से ही अपनी टीम के साथ लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। रात दिन टीम के साथ लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। वह सेना के जवान हैं और जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। पुलवामा घटना के दौरान भी उनको भेजा गया था। खालिद ने बताया अभी रेस्क्यू जारी है, काफी लोगों को पानी से निकाला जा चुका है, लोग मलबे में भी दब गए हैं। वहीं मुसीबत के वक्त में शिव भक्तों को रेस्क्यू करते देखकर परिवार के लोग काफी खुश हैं।